हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो कर रहे हैं ना, अच्छा उस जो मूवी के बारे में बात होगी, उस मूवी का आप लोग कह रहे थे ट्रेलर आ गया है, पर हमने कहा था हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे। पर ये जो उन्होंने रिव्यू किया हुआ है वो देखना बनता है, क्योंकि आई एम श्योर उसमें जो आप सबको पता है कि मैक्सिमम डिसलाइक्स किसी ट्रेलर में जो हुए होंगे वो इस मूवी में हुए हैं। तो टाइटल है सड़क टू ट्रेलर रिव्यू। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत तो आपको भी पता ही होगा, पर वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि शायद इसमें और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। पर उससे पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आप जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कौन सी है? नहीं, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रही, मेरा इशारा घमंड नाम के अद्भुत शब्द की तरफ है, जिसकी आग में जलकर रावण से लेकर कछुए से रेस लगाने वाला खरगोश हर कोई अपनी शक्ल पे बेइज्जती के तमाचे का निशान लिए घूम रहा है। ठीक इसी घमंड के नशे में चूर होकर आजकल कुछ बॉलीवुड के मतवाले भी होश खो बैठे हैं। वो लोग जो पब्लिक के प्यार और इज्जत से नाम कमाते हैं, वो आजकल खुद को भगवान समझकर आसमान में बिना पंखों के उड़ रहे हैं और ऑडियंस को कीड़ा मकोड़ा समझकर पैरों के नीचे धूल मिट्टी में मसलने के सपने देख रहे हैं। तो वक्त आ गया एक बार फिर से घमंड की उठती हुई चिंगारी पर पेट्रोल डालकर नेपोटिज्म और धोखेबाजी की दुकान को आग की लपटों में हवावाई करने का। शुरुआत करते हैं एक नए आंदोलन की, जिसके शोर की आवाज सीधे बॉलीवुड माफिया की राजगद्दी पर बैठे हुए दो कौड़ी के गुंडे मवालियों के कान के पर्दे फाड़ने का काम करेगी। हम माफ करने वालों में से बिल्कुल नहीं है, कहकर लेंगे उनको वेलकम टू ट्रेलर रिव्यू ऑफ सड़क टू। इस बार कहानी वही पुराने घिसे पिटे प्यार में दिल टूटने जुड़ने वाले खेल के साथ जुड़ी हुई है, जिसको हजारों बार स्क्रीन पर चेहरे बदलकर नए गानों का तड़का लगाकर बेशर्मी से आपके सामने रख दिया जाता है। बस इस बार बदले का फ्लेवर डालकर कहानी को मनोरंजक बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप 1% दिमाग लगाकर भी ट्रेलर को देखेंगे तो पूरे सस्पेंस का पर्दा अपने आप उठ जाएगा। मतलब सस्पेंस को तो फिल्म के लिए बचा लेते। आप तो जानते ही हो, कुछ नया करने में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में थोड़ा कम देखने को मिलता है, जिसका जीता जागता सबूत खुद जनरल नॉलेज में PhD की डिग्री हासिल करने वाली आलिया भट्ट मोहतरमा करण साहब के शो में कॉफी के साथ उगल चुकी हैं। बची कुची कसर फिल्म के साथ भगवान का नाम जोड़कर पूरी कर दी गई है, ताकि नेपोटिज्म नामक पाप को हमारे देवी देवताओं के साथ जुड़ी हुई आस्था और भक्ति की शक्ल में छुपाकर स्क्रीन पर बड़ी चतुराई से डाल दिया जाए, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। ऊपर से फिल्म में पूरे खानदान को इकट्ठा देखकर कलंक जैसी ऑस्कर डिजर्विंग फिल्म की यादें ताजा हो गई हैं। ये जो खिचड़ी फिल्म में तैयार की गई है, उसको चखने के बाद आपके पेट के साथ साथ दिमाग के हालात भी काफी बिगड़ने वाले हैं। बाकी आलिया भट्ट की लाजवाब एक्टिंग के बारे में तारीफ करने के लिए मुझे अलग से एक नई डिक्शनरी छापनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने मामूली शब्द उनके टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। फिर भी 3 शब्दों में बोला जाए तो उनकी एक्टिंग आंखों के कैंसर के बराबर है। मुझे काफी गलत फहमी थी कि सिर्फ करण जौहर अपनी पुरानी फिल्मों के दम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन महेश भट्ट ने 30 साल पीछे जाकर अपनी फिल्म को नए रूप में ढालकर करण साहब को टक्कर देने वाले नए धंधे की शुरुआत कर दी है। सच बोलूं तो सड़क टू मुझे काफी हड़बड़ी और जल्दबाजी में बनाई गई फिल्म लगती है। इसके पोस्टर से लेकर ट्रेलर को काटने का तरीका सब कुछ काम चोरी की तरफ इशारा करता है, जिसका 0% मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। पूरे 3 मिनट के ट्रेलर में जो सिर्फ एक चीज अच्छी लगती है, वो है संजय दत्त का कैरेक्टर, जो आलिया भट्ट की ओवर एक्टिंग के दुकान का बोझ संभालते हुए सड़क टू में थोड़े इमोशंस डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस गहरे काले दलदल में सबसे बुरे फंस गए हैं मकरंद देशपांडे और जीशु सेन गुप्ता जैसे बेहतरीन एक्टर्स, जिनके चमकदार टैलेंट के ऊपर महेश भट्ट की नकली और बर्बादी वाली दुनिया का ग्रहण लगने वाला है। और हाँ, उन महापुरुषों को भी जवाब दे दूं जो फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह नापने तोलने के बहानों के पीछे हरे गुलाबी नोटों के बदले में टैलेंट की सौदेबाजी करके नाम के पीछे भट्ट कपूर खान लगाने वालों की दिन रात गुलामी करते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखना चाहिए, लेकिन जब फिल्म का मकसद ऑडियंस का दिल जीतना ना होकर प्यार से चूना लगाकर अपनी तिजोरी मालामाल करना बन जाए, तो फिल्म की जांच पड़ताल करके उसका पर्दाफाश करना मेरी जिम्मेदारी बन जाता है। तो बस तैयारी करिए, असली लड़ाई की शुरुआत 28 अगस्त 2020 को होने वाली है, जब फिल्म के दर्शन आपको हॉटस्टार पर लाइव हो जाएंगे। अब ये फिल्म सड़क से आसमान पर जाती है या फिर फिल्म से जुड़े लोगों को सड़क पर लेकर आती है, देखना काफी मजेदार होगा। जरा हेलमेट वगैरह लगाकर बैठिएगा, इस बार मुलाकात के साथ साथ मुक्कालात भी खूब होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वाकई मैं तो यही कहूंगी कि पीपल पावर जो है वो अब बोल रही है और दिखा रही है सबको कि आप लोगों का जो आपने किया है वो हमको मंजूर नहीं है। और इसमें तो इन्होंने बताया नहीं, पर आप सबको तो पता ही होगा कि इनका ट्रेलर जैसे YouTube में आया था तो मैक्सिमम डिसलाइक्स इसमें हुए, कोई पता नहीं कितने मिलियन थे उस टाइम, और मेरे ख्याल से अभी भी बढ़ते जा रहे होंगे। तो ट्रेलर मैक्सिमम डिसलाइक का रिकॉर्ड तो इन्होंने तोड़ ही दिया है।
और मैंने ट्रेलर नहीं देखा तो मुझे स्टोरी का नहीं पता, पर मुझे इससे पता चल रहा है कि इसमें, मुझे तो ये भी नहीं पता था कौन कौन है इस मूवी के अंदर, तो इससे पता चला कि संजय दत्त है और पूजा भट्ट भी है, और मेरे ख्याल से सड़क के अंदर जो पहली सड़क बनी थी बहुत पहले जब हम मेरे ख्याल से छोटे थे तब हमने देखी थी, उसका मेरे ख्याल से कंटिन्यूएशन लग रही है। और वो बताया भी जा रहा है कि भाई आलिया भट्ट की जो ओवर एक्टिंग हो रही है इस मूवी में, और काफी मतलब मूवी बनाने में कोई ज्यादा इन्होंने मेहनत नहीं की है, पर एक दुख की बात इसमें यह है कि जो अच्छे एक्टर्स जिन्होंने दो नाम लिए थे जो इसमें है, उनका उनका करियर अफेक्ट हो सकता है जब ये मूवी जो है ये डाउनहिल जाएगी। पर कह रहे हैं कि 28 शायद बोल रहे थे अगस्त को ये रिलीज होगी, और वो भी हॉटस्टार में, तो आप बताना कि आप सोच रहे हो क्या इसको देखने का, क्योंकि मैं तो आई डोंट थिंक हम लोग देखेंगे, पर आप बताना कि आप देखोगे। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर हॉटस्टार में एक बारी मूवी रिलीज हो जाए तो अब कोई देखे ना देखे उससे क्या मूवी वालों को कोई फर्क पड़ता है, आई डोंट नो। अब जैसे थिएटर में अगर रिलीज हो और पब्लिक ना जाए तो फर्क, वो पता है फ्लॉप हो गई मूवी, तो इसमें भी फर्क पड़ता है। ओ तो फिर तो डेफिनेटली आपको पता है ना आपको क्या करना है, तो ये एक मतलब सोचना कि भाई उत्सुकता हो कि पता करने के लिए तो चले जाओ, तो डेफिनेटली हमको स्टैंड लेना है, मैसेज देना है, क्योंकि अगर हम नहीं देंगे मैसेज तो ये चलता रहेगा बॉलीवुड में। पर डेफिनेटली बताया इन्होंने काफी अच्छा है, और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे कई मूवी रिव्यू करने वाले जो है वो फॉरवर्ड आके खुला बोल रहे हैं, नहीं तो पहले तो हर मूवी पे बहुत बोला जाता था बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, जो सुन के काफी हैरानी हुआ करती थी जब हम देखते थे यार ये मूवी हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये इतनी अच्छी कैसे हो गई है। तो मुझे याद है आलिया भट्ट की तो एक्टिंग के कितने वो बोला चलाते थे कि बड़ी अच्छी करती है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो अब देख के अच्छा लग रहा है कि अब लोग अपनी फीलिंग्स प्रॉपरली ओपनली बोलना शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं अब आगे क्या रिजल्ट होता है, 20th का हमें भी वेट है। राइट, सो पॉइंट ये कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद और उसके इंसिडेंट के बाद जो इतनी सारी बातें बाहर आई हैं जो बॉलीवुड की सिचुएशन को सामने लेके आती हैं कि कुछ ऐसे खानदान हैं जो कंट्रोल करें चीज़ों को, जो मैनिपुलेट करते हैं, जो न्यू टैलेंट आ रहा है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट होता है कि न्यू टैलेंट आ रहा है ठीक है आप उसकी हेल्प मत करिए, मगर अगर आप दबाने की कोशिश करेंगे तो नेगेटिव वो नेगेटिव बात है। कई लोग होते हैं जो देखते हैं कि न्यू टैलेंट आ रहा है बोलेंगे हम आपकी हेल्प नहीं करते, ठीक है आपकी मर्जी है, मगर किसी टैलेंट को नीचे दबाना नेगेटिव इफेक्ट है नेगेटिव एक्शन है वो गलत बात है। तो ये सब देख के जो इतनी सारी बातें हुई है उसके बाद जो पता लगा है कि पुलिस ने ज़्यादा अच्छा एक्शन नहीं लिया, और जो बिहार के DGP थे उनका रिएक्शन देख के सब कुछ देख के अब यही है कि हमारे ऊपर है कि हम किस मूवी को देखना चाहेंगे किसको नहीं देखना चाहेंगे। और जो डायनेस्टीज टाइप के लोग हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं और जिनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है उनको बिल्कुल नहीं हम देखना चाहेंगे। अगेन हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते किसी को कि आप क्या करिए, वो आपके ऊपर है। हम सिर्फ इस वीडियो में अपने एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये फ्री विल है, ये हमारी मर्जी है, हम देखें ना देखें कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता, और जितना आप में अकल है उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। तो जो भी हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम मोस्ट लाइकली इस मूवी को नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे बिलीव्स के साथ नहीं है। कुछ लोग जो इस पूरे जो भी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उनसे एसोसिएटेड है उनकी हम मूवीज नहीं देखेंगे, जिन्होंने मैनिपुलेट किए सिचुएशन, जिन्होंने बुरे काम किए, जिन्होंने किसी टैलेंट को दबाने की कोशिश की। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है और जो हमने स्टडी किए उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेंगे, तो हम मोस्ट लाइकली एज अ फ्री विल हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारा अपना थॉट है, जैसा हम फील करते हैं। जैसे आगे समय जाएगा, जैसे जैसे बॉलीवुड में सुधार आएगा, जैसे नज़र आएगा कि लोगों ने अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक किया है, जब नज़र आएगा कि नए टैलेंट को आने ऊपर आने दिया जा रहा है, जब नज़र आएगा कि फेयर प्रोसेस है, जब नज़र आएगा कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कि जो भी चीज़ों में कौन सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता सो फेयर प्रोसेस होगा, जब ऑडिशंस होंगे सभी लोग लाइन में लगेंगे फेयर, कोई बॉडी होगी जुडिशरी या कोई सुपरविजन की बॉडी जो देखेगी कि हाँ ठीक है आपने जो है हम आपको सर्टिफाई करते हैं
कि आपने फेयर प्रोसेस से मूवी बनाई है, फेयर प्रोसेस से अपने एक्टर्स एक्ट्रेस चूज किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी में जो मेरा मन करेगा वो करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप एक कंट्री में रहते हैं, कंट्रीज के लॉज हैं। सो चाहे आपकी अपनी कंपनी हो मगर आपको लॉज फॉलो करने हैं। अब ऐसा थोड़ा ना कि लॉज जो बने हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, वो तो डिस्क्रिमिनेशन के लॉ आप ये नहीं बोल सकते कि देखिए कि अगर कोई बंदा बहुत काला दिखता तो मैं उसको नहीं लूँगा, तो आपने कलर के बेसिस पे कर दिया डिस्क्रिमिनेशन, आपने किसी के जेंडर के बेसिस पे कर लिया, आपने किसी की एज के बेसिस पे। तो लॉज इन प्लेस है एम्प्लॉयमेंट के, और एम्प्लॉयमेंट के लॉज जो हैं वो हर चीज़ की एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई करने चाहिए। लोग बोलेंगे मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लॉज हैं, दिस इज ऑल्सो जॉब। जब आप एक्टर बने ये भी जॉब ही है, तो उस पर क्यों नहीं अप्लाई होते, ये सब लॉज तो होने चाहिए। जब ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा तब हम देखना शुरू करेंगे इस टाइप की मूवीज़ को। अनटिल देन हम उन्हीं को प्रमोट करेंगे जो लोग अपने बल पे आगे बढ़ रहे हैं, चाहे उनकी एक्टिंग अभी अच्छी ना हो, अगर हम देखेंगे हम प्रमोट करेंगे तो कभी ना कभी उनकी एक्टिंग, अगर वो वाकई ही टैलेंटेड है तो उनकी एक्टिंग अच्छी होगी। ऑफ कोर्स जो टैलेंटेड नहीं है वो टैलेंटेड नहीं है, वी आर नॉट गोना सपोर्ट दैट पर्सन, बट हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो टैलेंटेड इंसान है और अपनी मेहनत से आ रहा है, और जिसको अगर आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम जो है आपके अगेंस्ट लड़ेंगे, हम डेफिनेटली मूवीज देखेंगे। परंतु हम अगर इसको समराइज किया जाए तो पहली बात यह है, आप में टैलेंट होना चाहिए। आप में टैलेंट है, आपका कोई बाप दादा नहीं है, आप अपनी मेहनत से आगे आ रहे हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, तो चलते हैं ये ब्यूटीफुल मैसेज के बाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।